नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रात में 9 बजे हम लोगों की चक्षु बुक की सीरीज चल रही है और आज हमारे इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। और दोस्तों, खुशी की बात इतनी सी है कि हम लोगों के 40 दिन जी हैं दोस्तों, जो अपने आप में दोस्तों पूरे यूट्यूब में जो है हम लोगों की अगर हम बात करें टाइम से चलते हुए दोस्तों, हम लोगों को आज 40 दिन पूरे होने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बीएससी ट्रिकी क्लासेस ने हासिल किया है इन 4 सालों में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि लगातार जो है 40 दिन क्लास जो है टाइम टू टाइम आप लोगों की जो है चल पा रही है। तो आज हम लोग वही पेपर डिस्कस करेंगे, रीजनिंग जीके मैथ और हिंदी आप लोगों का होगा। 20-20 क्वेश्चन सभी सेगमेंट से होंगे। एक पूरा पेपर जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, चक्षु की बुक से पेपर होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आज जो है मजा भी आएगा, मजे मजे में थल्ले थल्ले हम लोग जो है पढ़ेंगे। और किससे पहले दोस्तों क्लास को शुरू करें, अगर आप लोग जो है हार मान चुके हैं, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो मेरी बात को आज सुन लो दोस्तों। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, तो मेहनत करने से बिल्कुल भी ना कतराओ, यही वो मेहनत दोस्तों जो आपको वर्दी दिलाएगी। ठीक ना, कंधों पर तन पर होगी वर्दी और कंधों पर होंगे सितारे, आ जाओ मेरे प्यारे बीएसए ट्रिकी क्लास में हमारे। तो बिल्कुल झोंक दो इस आग को, अगर सूर्य जैसे चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना तो आपको पड़ेगा ही, तभी आप सूर्य की तरह चमक पाओगे। तो चमकने के लिए आपको तपना तो यहां पर पड़ेगा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने पेपर को। और पहला पेपर आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये रहा, ए बी सी आर क्यू पी सी बी ए वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, ए की वैल्यू आर है, बी की वैल्यू क्यू है, सी की वैल्यू पी है। तो सी की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू क्यू है और ए की वैल्यू आर है, तो सही जवाब हो जाएगा पी क्यू आर। यहां पर आपका दोस्तों क्या है, तो यहां पर आप लोगों की डायरेक्ट कोडिंग है। क्या है दोस्तों, यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो डायरेक्ट कोडिंग दे रखी है, सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। सर हिंदी में समझ नहीं आता क्या, सर जी हिंदी मां समझ सिंध नहीं आई क्या। देखो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़ा बहुत तो समझ लेते हो हिंदी है ना, हिंदी के अलावा थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, बाकी मुझे भाषाएं नहीं आती हैं। तो इससे आपकी वैल्यू क्या होगी, पी क्यू आर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंगो ये क्या है, फ्रूट है, जैस्मीन क्या है। जिस तरीके से मैंगो क्या है, मैंगो एक फ्रूट है, जैस्मीन क्या है आप लोगों की, जैस्मीन आप लोगों का एक फूल है। तो जैस्मीन, चमेली क्या है दोस्तों, चमेली एक प्रकार का फूल है, तो राइट आंसर हो जाएगा फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, समास संधि बोल रहे हैं सर। अच्छा, समास संधि, देखो समास और संधि आज तक पेपर में ना आया है और मुझे यही उम्मीद है ना कभी आपका आएगा, ठीक है ना। समास और संधि दोस्तों ना पेपर में आया है ना आएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस में बदलाव किया गया है, इसलिए मैं 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको समास संधि के करा रहा हूं। लक बाई चांस अगर आपके पेपर में आएगा तो आप करके आओगे, मेरी क्लास का बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा, बाकी लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन मेरी क्लास का जो बच्चा है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, आज से पहले ना आया है ना आएगा, लेकिन अगर लक बाई चांस आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर पेपर में आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, शिक्षक का उल्टा विद्यार्थी, तो एडवोकेट का उल्टा क्या होगा। जैसे टीचर स्टूडेंट को यहां पर संभालता है, वैसे ही एडवोकेट किसको संभालता है, ग्राहक को, कस्टमर को, दावेदार को, क्लाइंट को। अधिवक्ता का होता है मुवक्किल, अधिवक्ता का क्या होता है,
अधिवक्ता का होता है मुवक्किल। जैसे शिक्षक विद्यार्थी के लिए सर्विस करता है, वैसे ही एडवोकेट क्लाइंट के लिए सर्विस करता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा, मुवक्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से 81 आ रहा है, 4 से क्या आएगा? देखो 9 का स्क्वायर 81 तो 4 का स्क्वायर 16, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 और 26, 8 8 16, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, 8 8 16 प्लस 8 जोड़ दिया, 8 8 16 प्लस 7 37, ठीक है ना, 8 4 12, 8 जोड़ दिया 62, फिर यहां पर दोस्तों यहां पर 8 7 15, 8 जोड़ दिया 85, तो सभी में 8 जोड़ रहा है, इसमें 7 जोड़ रहा है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है बी तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च सबसे अलग आपका क्या होगा, सबसे अलग जो महीना है आपका कौन सा है? देखिए दोस्तों दिसंबर आपका 31 तारीख का होता है, जनवरी आपकी 31 तारीख की होती है, मार्च भी 31 तारीख की होती है, लेकिन फरवरी आपकी 28 या 29 तारीख की होती है। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो सबसे अलग आपका फरवरी हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर फरवरी आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब देखो ADGJ MPSB EHJN LOR यूलोरू, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसको बताइए, करेक्ट आंसर। देखो डी से जी, 437 437 16319 16319 HIJ तो 8210 8210 और 15318 15318 OR, तो सभी में आपका प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें आपका प्लस टू चल रहा है, तो सी वाला आपका सबसे अलग हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों सी तो बिल्कुल राइट है। पहली बार मैं आपकी क्लास देख रहा हूं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई, ठीक है, खुश रहो, ईश्वर आपको कामयाबी दे। डेली क्लास होती है यहाँ पर 12 बजे 4 बजे और 9 बजे, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और 9 बजे वाली क्लास इजी होती है, ठीक है ना, ये इजी लेवल की क्लास है, तो मत बोलना कि ये इजी है, 9 बजे वाली क्लास में इजी लेवल से पढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए सार्थक आरोही क्रम को दर्शाता है? देखो चिल्का, ब्रह्मपुत्र, अटलांटिक और बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसको बताइए। सबसे छोटी आपकी चिल्का झील है, चिल्का झील है दोस्तों आपकी, चिल्का झील मिलती ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र आपकी नदी है, नदी से बड़ा दोस्तों आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी उससे बड़ी है, और सबसे बड़ा अटलांटिक ये महासागर है, अटलांटिक दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, महासागर है। तो चिल्का झील, ब्रह्मपुत्र नदी, बंगाल की खाड़ी समुद्र है, और अटलांटिक महासागर है, ओशियन है आपका, समझ में आई बात। तो सी ए डी बी, तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी ए डी बी बिल्कुल राइट है, परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 8 16 32 राम जाने 128, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखो टाइम मैं दे सकता हूं, टाइम मैं तभी दे सकता हूं जब मैं तुम लोगों से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, तभी टाइम दे सकता हूं। हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहां पर किस देश की सरकार ने, ऐसा पहला देश है दोस्तों, दुनिया का दोस्तों ऐसा पहला देश है दोस्तों जिस सरकार ने दोस्तों यहां पर क्या किया, इस सरकार ने दोस्तों यहां पर युवाओं को धूम्रपान करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, यहां पर धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। तो जब तक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना दोस्तों, तब तक तुम लोग इस सवाल को लगाओ,
और बाकी लोग जो लगा चुके हैं वो इस सवाल का जवाब देंगे क्या होगा। देखो अब चार एकम चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस दुनी चौसठ दुनी एक सौ अट्ठाईस, तो यहां पर डबल चल रहा है दोस्तों, यहां पर क्या चल रहा है, डबल चल रहा है, तो आपका डबल चल रहा है। तो दोस्तों जिनका भी आंसर चौसठ आ रहा है बिल्कुल राइट है। तो दुनिया का पहला देश है जहां की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये देश आपका न्यूजीलैंड है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। दुनिया का पहला देश है जहां की सरकार ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन बैन लगा दिया है, तो ये आपका देश है, आपका न्यूजीलैंड है। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, बी सी जी एच एल एम, अगला स्टेप क्या होगा बताइए। तो बी सी जी एच एल एम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए बताइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो लॉजिक आपका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप लोगों के सामने जो है यहां पर आपको दिया गया है। बी दो नंबर है, जी सात नंबर है, एल आपका बारह नंबर है, तो दो पांच सात, सात पांच बारह, और बारह और पांच, पांच दो सात सत्रह, तो सत्रह नंबर पे आपका क्या आता है, क्यों आता है, सत्रह पर क्यों आता है, ये गलत ये गलत ये गलत, तो क्यों आ गया। फिर सी आपका तीन नंबर, एच आपका आठ नंबर, एम आपका तेरह नंबर, तो दोस्तों तीन पांच आठ, आठ पांच तेरह, और तेरह पांच अट्ठारह, तो अट्ठारह पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों अट्ठारह पर आ जाएगा आर। तो क्यों आर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, तो प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच चल रहा है, तो जिनका भी आंसर क्यों आर आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, क्यों आर। अगला सवाल देखिए, डेलिब्रेशन की वैल्यू आपके सामने है, तो इन्फॉर्मिटी का कोड क्या होगा बताइए। मेरा एक सवाल दोस्तों आप सभी लोगों से है कि हाल ही में कौन एनएससीसी 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है, तो आपको दोस्तों बताना है कौन अभी हाल ही में एनएससीसी 2022 में, एनएससीसी 2022 में आपकी विमेन, ठीक है ना, वुमेन एयर पिस्टल, अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर वुमेन एयर पिस्टल, वुमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है, ये आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, यहां पर नेशनल चैंपियन बनी है, तो हाल ही में कौन एनएससीसी 2022 में वुमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। अनीता डीएम, दिव्या टीएस, सीके सुमन, प्रीति जेके, चलिए बताइएगा। तो आप लोग इस सवाल को लगाइए, तब तक मैं बताता हूं। देखिए उल्टा चल रहा है आपका, देखो उल्टा क्या है, एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, ए आर ई बी, ए आर ई बी, आई एल ई डी, आई एल ई डी, तो विपरीत क्रम आप लोगों का चल रहा है, यहां पर विपरीत क्रम चल रहा है, तो सेम इनफॉर्मिटी, तो इन गलत गलत, आई एन एफ आई आर एम आई टी वाई, इनफॉर्मिटी ये वाला सही है, तो यहां पर उल्टा क्रम चल रहा है, तो जिन दोस्तों का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। हाँ तो मैं क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एनएससीसी 2022 में वुमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप जो है किसने, नेशनल चैंपियन कौन बनी है, इनका नाम है दोस्तों दिव्या टीएस, ठीक है ना, तो ये कौन है आपके दोस्तों, इनका नाम है दिव्या टीएस। तो एनएससीसी 2022 में वुमेन विमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है दिव्या टीएस बनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए दोस्तों क्या रखा है, सात दुनी चौदह, छह दुनी बारह, दस पंजे पांच दुनी दस, फिर दोस्तों यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा, सात चार ग्यारह इक्कीस, चौदह सात इक्कीस, बारह छह अठारह, दस पांच पंद्रह, तो भैया यहां पर क्या चल रहा है, चौदह सात इक्कीस में दो कम किया उन्नीस, बारह छह अठारह में एक कम किया दोस्तों, तो अब की बार जीरो कम करेंगे तो पंद्रह आ जाएगा। एक तरीका तो मेरा ये है दोस्तों जिससे मेरा आंसर पंद्रह आ रहा है, क्या मैंने किया दोस्तों यहां पर देखो, मैंने क्या किया दोस्तों यहां पर सात में चौदह जोड़ दिया, तो चौदह और सात इक्कीस आ गया, इक्कीस मैंने यहां पर दो कम किया उन्नीस आ गया,
फिर दोस्तों मैंने 6 में 12 जोड़ा, मेरा दोस्तों यहाँ पर 18 आ गया, 18 में एक कम किया 17 आ गया। फिर दोस्तों मैंने 5 में दोस्तों 10 जोड़ा, मेरा 15 आ गया, 15 में 0 जोड़ा 15 आ गया, ठीक है ना। एक तरीका तो लोकल वाला सस्ता लॉजिक, इसको मैं बोल सकता हूं दोस्तों यहां पर सस्ता लॉजिक, ये मेरा क्या है दोस्तों सस्ता लॉजिक है। अब महंगा लॉजिक बताता हूं, महंगा लॉजिक समझो दोस्तों यहां पर क्या है। महंगा लॉजिक आपका सिंपल सा ये है दोस्तों, 7 दुनी आपका हो जाएगा 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। ऐसे दोस्तों 6 दुनी 12, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों 5 दुनी आपका 10 हो जाएगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ये रियल लॉजिक है, ये आपका दोस्तों क्या है आपका, ये आप लोगों का दोस्तों रियल लॉजिक है। तो मैं हर तरीके से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करता हूं, सस्ता मद्दा लॉजिक है और ये रियल लॉजिक है। 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके आप लोग 5 जोड़ सकते हो, एक लॉजिक आपका ये है। दोनों से ही आपका राइट आंसर क्या आएगा, दोनों से आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के नहीं, कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती जो है दोस्तों यहां पर दाएं छोर पर बैठी है, कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है इसको देखिए। तो 5 लड़कियां हैं, ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें, जो चेरापूंजी नहीं होगी डायरेक्ट लग जाएगा दोस्तों। सुधा जो है पद्मा के निकटतम बैठी है, सुधा जो है पद्मा के पास में बैठी है लेकिन ताप्ती के पास नहीं बैठी दोस्तों यहां पर। तो सुधा जो है दोस्तों यहां पर पद्मा के पास बैठी है लेकिन ताप्ती के पास नहीं बैठी, कृष्णा जो है रमा के पास बैठी है जो बाएं छोर पर है, कृष्णा जो है रमा के पास है जो कि बाएं छोर पर है, बाएं छोर पर कौन है, कृष्णा है कि रमा है ये बताओ दोस्तों यहां पर। तो कृष्णा रमा के पास बैठी है जो कि बाएं छोर पर है, यानी रमा की बात हो रही है जो बाएं छोर पर है, तो रमा जो है बाएं छोर पर है और इसके पास में आप लोगों की कृष्णा बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, तो ताप्ती जो है दोस्तों यहां पर दाएं छोर पर बैठी है ताप्ती, ताप्ती किसके पास में दोस्तों, ताप्ती पद्मा के पास में नहीं बैठी थी, तो कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो इनके बीच में कोई नहीं बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, तो पंक्ति के बीचों बीच में आपकी पद्मा बैठी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्मा। तो अगर आपका आंसर दोस्तों पद्मा आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पद्मा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया ने कहा कि मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत का माया से संबंध क्या है, माया ने कहा कि मेरी माता, तो माया ने कहा मेरी माता, तो माया की मां रंजीत के भाई की बहन है। अब दोस्तों यहां पर रंजीत हो गया, रंजीत का भाई हो गया, भाई की बहन है दोस्तों, मतलब रंजीत की बहन है यहां पर, तो दोस्तों रंजीत यहां पर माया का मामा हो गया, रंजीत मामा हो गया, तो रंजीत का माया से क्या संबंध है, रंजीत माया का मामा होगा और ये इसकी भांजी होगी, तो रंजीत कौन है दोस्तों, रंजीत माया का मामा होगा क्योंकि मम्मी का भैया है, तो मम्मी का जो भाई होता है दोस्तों वो हमारे कौन होते हैं, मामा होते हैं, तो जिनका भी आंसर मामा आ रहा है बिल्कुल राइट है, मामा मामा मामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर दोस्तों देख पा रहे होंगे 5, 7, 2, 725, 6, 9, 0, 90, कुछ तो गड़बड़ है गया यहां पर, 90 आ रहा है, नौ सौ छ आपको दे रखा है यहां पर, 906 अब लगाओ, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए,
देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात यह है, पहले 7 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 9, 0, 6 है, तो 4, 3, 8 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 438 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा 438। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनेगा, टेररिज्म का यूज करके दोस्तों कौन सा शब्द आपका नहीं बनेगा, मिरर, MIRROR बन जाएगा, इरर, ERROR बन जाएगा, रोअर, ROE। तो दोस्तों टेररिज्म में कहीं पर भी ए नहीं है, तो रोअर नहीं बनेगा, मोर, MOR बन जाएगा, तो रोअर शब्द नहीं बनेगा। तो जिनका भी आंसर रोअर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आप इस सवाल को लगाइए, मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों, किस हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने नवंबर महीने में दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। क्या दोस्तों आपको पता है यहां पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे महिला की, ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे महिला की, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस महिला ने जीता, तो ये महिला है सिद्रा अमीन। इनका नाम दोस्तों क्या है, इनका नाम है दोस्तों यहां पर सिद्रा अमीन। सिद्रा अमीन जो है आप लोगों की पाकिस्तान से है, और ये पाकिस्तान से दोस्तों सिद्रा अमीन, जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है, ये आप लोगों की महिला खिलाड़ी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। और अगर मैं पूछता कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता, अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों पुरुष कौन है आपका, महिला तो सिद्रा अमीन है, पुरुष कौन है, पुरुष आपके बटलर है इंग्लैंड के, जोस बटलर। क्या नाम है दोस्तों इनका, इनका नाम है दोस्तों जोस बटलर, जोस बटलर है, जो कि आप लोगों के इंग्लैंड से है। इन्होंने यहां पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है इस महीने। इस सवाल की बात करेंगे दोस्तों तो अगर ये डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 7, 3, 21 और 6, 3, 9 बी वाला आ रहा है दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर जो है बी आ जाएगा। देखो डिवाइड करोगे पहले तो 7, 3, 21 फिर जोड़ोगे तो 6, 3, 9 = 9। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में, ठीक है ना, महिला कौन है, महिला है दोस्तों सिद्रा अमीन, ये पाकिस्तान की है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर हम बात करेंगे तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है दोस्तों यहां पर बटलर, जो कि इंग्लैंड के हैं, जोश बटलर, जोश बटलर आपके इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी कलम पेंसिलें हैं, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, कोई रबड़ कलम नहीं है, कोई भी कलम रबड़ नहीं है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, पेंसिल पेंसिल कट जाएगा, कोई कलम रबड़ नहीं है, तो कोई कलम रबड़ नहीं है सही हो जाएगा, कोई रबड़ कलम नहीं है ये भी सही हो जाएगा। क्यों, ई को ए में हम चेंज कर सकते हैं, अगर कलम रबड़ नहीं है तो रबड़ कलम नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नो बकवास, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब आपका हो जाएगा यहां पर दोनों हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्लास को शेयर करिए और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको बताना यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों के दो यहां पर दोस्तों कालिए दे रखे हैं आपको, सेम दोस्तों दो पॉइंट आपके इधर लगेंगे, सेम दो पॉइंट इधर लगेंगे, सेम दो पॉइंट इधर लगेंगे, तो दो 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 और दो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा।
तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये डिजाइन ढूंढना है, ये डिजाइन किसमें मिलना है आपको। एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहां पर, इंटरनेशनल माउंटेन डे आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, माउंटेन डे हो तो आपको यहां पर बताना है दोस्तों, यहां पर इंटरनेशनल माउंटेन डे, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए एक तैयार कर दिया मैंने यहां पर कि विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए पर्वत माउंटेन को लिखते हैं एम, ठीक है ना, तो माउंटेन डे यहां पर कब मनाया जाता है, बस एम का दोस्तों ये हटा दो, ये चीज हटा दो यहां पर, तो ये मनाया जाता है आप लोगों का दोस्तों 11 दिसंबर को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 11 दिसंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। हाँ ये जो एंटीना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये एंटीना जा रहा है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, ये एंटीना यहां पर जा रहा है, ये नीचे तक जा रहा है, ठीक है ना, फिर ये इसमें दोस्तों ये इस तरीके से जा रहा है और ये आप लोगों ने इस तरीके से फैला दिया। सेम अगर आप इसमें देखोगे दोस्तों, यहां पर थोड़ा लंबा देखना चाहोगे, छोटा सा एंटीना दोस्तों यहां तक आपका जा रहा है, इधर आपको ये बन गया और ये आप लोगों का इधर बन गया। इसमें दोस्तों कोई एंटीना बनेगा नहीं, गलत है। इसमें अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों तो ये भी गलत है, तो दो है। अब साइज के हिसाब से दोस्तों बताओ कि ए होगा कि बी होगा। देखो दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज है तो हम दोस्तों कह सकते हैं इसका आंसर बी वाला होगा, हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर जो है बी वाला होगा, ए वाला भी आपका गलत है। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री आप लोगों के कौन है, आज का सवाल आपके सामने ये है, आपको बताना दोस्तों गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। गुजरात के सीएम का नाम आपको बताना है, क्या नाम है। चलिए बाकी लोग क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की है, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ही इतना छोटा, मैं तो डर जाऊंगी मेरा सर, क्या है देखो, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मोदी इंडिया कॉलिंग नामक पुस्तक की रचना जो है किसने की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इनका नाम है दोस्तों यहां पर चांदमल कुमावत। क्या नाम है इनका दोस्तों, इनका नाम है दोस्तों चांदमल कुमावत, ठीक है ना। गुजरात के सीएम आप लोगों के हैं भूपेंद्र बघेल, क्या नाम है दोस्तों इनका, गुजरात के सीएम का नाम है दोस्तों भूपेंद्र बघेल नाम है दोस्तों यहां पर भूपेंद्र बघेल, और ये जो है बीजेपी पार्टी से हैं। ये किस पार्टी के नेता हैं दोस्तों यहां पर, तो ये आपके बीजेपी से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपके बीजेपी से जो है यहां पर संबंधित है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। अगर हमें दोस्तों यहां पर क्या निकालना है दोस्तों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टू गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर हमें दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना हो तो हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे एनएनपी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि दोस्तों जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम लोग अनुमत क्या निकालते हैं दोस्तों, अनुमत मूल्य ह्रास निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, इसमें से हम लोग निकालते हैं दोस्तों यहां पर अनुमत मूल्य ह्रास निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा, एनएनपी निकालने के लिए हम लोग जीएनपी में से दोस्तों जो है लॉस या इंपेयरमेंट हटाते हैं, तो हमें जो है टोटल नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो अगर आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहला यहां पर आप लोग मुझे क्वेश्चन बताएगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 का ए उद्योगों की प्रबंध में श्रमिकों की जो भागीदारी है किससे संबंधित है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मेरा ये भी है, TTFI की फुल फॉर्म क्या है, TTFI की फुल फॉर्म क्या है, ये स्पोर्ट के संबंध में, खेल के संबंध में
TTFI का मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब बताइए, तब तक मैं इसके बारे में आपको समझाता हूं। देखो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 43 का ए है, भारतीय संविधान का दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, 43 का जो ए है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है ये आपकी जो संबंधित है, ये है आपकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आप लोगों ने पढ़े होंगे दोस्तों, आपको याद होगा 36 से लेकर 51 तक। और आज मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं, और आयरलैंड के अभी पीएम कौन बने हैं दोस्तों, वराडकर बने हैं दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों इनका पूरा नाम बताना है यहां पर, आयरलैंड के पीएम का नाम क्या है दोस्तों, वराडकर कोई करके आप लोगों के आयरलैंड के अभी पीएम बने हैं। और TTFI की फुल फॉर्म क्या होती है, TTFI की फुल फॉर्म होती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने दोस्तों इसलिए पूछा आप लोगों से, ठीक है ना, कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन तो दोस्तों आपका ये है कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, TTFI की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी है आप मुझे यह बताइए। तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं दोस्तों, हमारा जो संविधान है दोस्तों यहां पर बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना है, और इसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। अगर हम दोस्तों संविधान की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल 80,000 शब्द जो है सम्मिलित, और 80,000 से भी ज्यादा शब्द इसमें आप लोगों के आते हैं। इसमें टोटल 395 आप लोगों के आर्टिकल हैं, टोटल 22 भाग हैं दोस्तों। और जब संविधान बना था तो उस टाइम हमारी 8 अनुसूचियां थी। तो भारतीय संविधान में करीब करीब जो है यहां पर इस समय अगर हम बात करेंगे दोस्तों, करीब करीब दोस्तों 146,385 शब्द हैं, 146,385 शब्द हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो कितने शब्दों का बना था, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें केवल आप लोगों के 80,000 के करीब शब्द थे, और इस समय जो है आप लोगों के 146,385 शब्द आपके मौजूद हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन दोस्तों पूछा था आपका कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, इनका नाम है दोस्तों मेघना अहलावत। क्या नाम है दोस्तों, मेघना अहलावत। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है, इनका नाम है दोस्तों मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है दोस्तों यहां पर TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है, जिनका नाम है मेघना अहलावत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी का मतलब क्या होता है। देखो जी को बोलते हैं हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका कहलाता है गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थिरांक। इसका मान होता है दोस्तों 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है ना, 10⁻¹¹ न्यूटन किलोग्राम, ठीक है ना, न्यूटन प्रति किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू जो रखी 10³ में, तो इसकी वैल्यू जो रखी दोस्तों यहां पर मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो ये इसकी जो है यहां पर वैल्यू आपको दे रखी है। बात समझ में आई दोस्तों, हाँ बात को ध्यान से समझना, जी का मान कितना होता है। जी का मान आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं जो आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग जो है यहां पर याद रखिएगा, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसी तरीके से जो है पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो जी का मान होता है 6.67 × 10⁻¹¹, और इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसको ना लिखकर दोस्तों लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति में किलोग्राम स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े,
अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, इसको बताइए। तब तक आप इस क्वेश्चन को बताइए। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। तो दोस्तों आपको बताना है, भारतीय मूल की महिला जो कि आप लोगों की दोस्तों न्यूयॉर्क में दोस्तों आप लोगों के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, उनका नाम क्या है आप मुझे बताएंगे। ये भारतीय मूल की है, ठीक है ना, इंडिया से रिलेटेड है, तभी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, चलिए आप मुझे बताइए। मैं दोस्तों बता दूं आपको, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है दैट इज कॉल्ड फोटोमीटर। फोटोमीटर से हम लोग प्रकाश की कम तीव्रता को माप सकते हैं। फोटोमीटर जो है इससे प्रकाश की तीव्रता और इसके ऑप्टिकल गुणों को ये जो है मेजर करता है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से यह था कि न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम महिला जो वहां की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, इनका नाम दोस्तों आप लोग जानते होंगे, सुष्मिता शुक्ला। नोट कर लीजिएगा, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो इनका नाम है दोस्तों सुष्मिता शुक्ला। तो न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है भारतीय मूल की महिला सुष्मिता उपाध्यक्ष। सर आप डेली जो है प्यारी एसआई स्माइल के साथ क्लास कराते रहिए, तबीयत डाउन होने की वजह से ये स्माइल चली गई थी। चलिए, तो जिनका भी आंसर आ रहा है फोटोमीटर बिल्कुल राइट है, और इसका राइट आंसर है सुष्मिता शुक्ला। अगला सवाल देखिए, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए दोस्तों अब आप लोग मुझे यहां पर बताइए, प्ले स्टेशन का आविष्कार जो है किसने किया था? देखिए प्ले स्टेशन की अगर हम बात करेंगे, प्ले स्टेशन सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट, फुल फॉर्म आप मेरे मुंह से सुन लीजिए, SCEI। तो प्ले स्टेशन सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट है ना, सोनी कॉरपोरेशन के वीडियो गेम डिविजन के पूर्व अध्यक्ष कुटरागी ने जो है यहां पर केन कुटरागी ने जो इसका आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा, प्ले स्टेशन सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट, प्ले स्टेशन सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, कॉरपोरेशन। तो इसका जो है आविष्कार या फिर इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था केन कुटरागी ने। जिनका भी आंसर आ रहा है केन कुटरागी, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने जो कि बहुत ही सिंपल सा है, ह्यूमन राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, जो बच्चा बच्चा यहां पर जानता है दोस्तों, बाजीराव किस वंश का शासक थे, 1720 से 1740 तक रहे हैं। तो बाजीराव यहां पर किस वंश के शासक थे, और एक डायलॉग तो आपने सुना होगा, मराठा या तो मरता है या मारता है। आप दोस्तों मुझे यह बताइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और बाजीराव की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो बाजीराव जो थे मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। तो जिनका भी आंसर पेशवा आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बाजीराव प्रथम जो है मराठा साम्राज्य के जनरल थे। उन्होंने पेशवा के रूप में 1720 से 1740 तक काम किया है। पेशवा उस समय प्रधानमंत्री को कहते थे, प्रधानमंत्री जो पद था आपका, ये आपका पेशवा कहलाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, कुतुब मीनार आपकी स्थित है, बच्चा बच्चा जानता है कुतुब मीनार आप लोगों की कहां पर स्थित है? फटाफट से दोस्तों आप लोग मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आप लोगों का है दोस्तों,
भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? मैं देखो याद करवा रहा हूं आपको, भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे आपका कब मनाया जाता है आप मुझे बताइए, ठीक है ना? मैं तब तक जो है पानी की बोतल भर के लाता हूं, 1 मिनट लगेगा मुझे। हाँ भाई, तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देकर गया था और आप लोगों ने जो अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। देखो कुतुब मीनार जो पहला सवाल था हमारा यहाँ पर, कुतुब मीनार ये तो आपकी दिल्ली में है, कुतुब मीनार आप लोगों की कहाँ पर? दिल्ली में है। ये 5 मंजिला इमारत है, कुतुब मीनार जो है आप लोगों की 5 मंजिल इमारत है और ये 73 मीटर आप लोगों की ऊंची है। 1192 में इसको बनाना जो है शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार से 3 सवाल बनते हैं आपके कि कुतुब मीनार को बनाए किसने, बनवाया किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिर एक बार दोस्तों कुतुब मीनार आप लोगों का इसकी जो ऊपरी वाली मंजिल थी वो ढह गई थी, गिर गई थी, तो उसको बाद में सही किसने करवाया था आप लोगों का, तो वो आप लोगों का कौन था वो बताना है दोस्तों। यहां पर देखो कुतुब मीनार जो है बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, लेकिन आपको ये बताना है उसका मरम्मत, कुतुब मीनार की जो है मरम्मत जो है वो किसने करवाई थी ये आपको बताना है। हाँ, इंडियन नेवी डे की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा इंडियन नेवी डे आपका हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। मरम्मत किसने करवाई थी दोस्तों? मरम्मत करवाई थी इसकी फिरोज शाह तुगलक ने, इसकी मरम्मत कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने, इसकी मरम्मत कराई थी। तो ये 3 टाइप के सवाल आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है मोहा, ये पहली बार शब्द सुन रहे होंगे आप लोग मोहा। तो मोहा पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है आप मुझे बताइए दोस्तों, मोहा पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है इसको बताइए। बाकी लोग मुझे बताएंगे विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। आपका क्वेश्चन आज का ये है वर्ल्ड सॉइल डे आपका कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, मिट्टी, विश्व मिट्टी दिवस, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? दो क्वेश्चन एक साथ पढ़ा रहे हम लोग, एक साथ में 2 क्वेश्चन। तो मोहा पैमाने का दोस्तों हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? तो जो भी आप लोगों के खनिज होते हैं उनकी हार्डनेस को चेक करने के लिए, जो भी आप लोगों के क्या बोलते हैं मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, तो उनकी कठोरता के माप के लिए मोहस किसका इस्तेमाल करते हैं? मोहस का। तो उसके लिए हम लोग मोहस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, ये नरम सामग्री खरोच करने के लिए, ठीक है ना, गैस सामग्री की क्षमता के माध्यम से इसको मेजर करता है, ठीक है ना। और जर्मन भूवैज्ञानिक और खनिज वेत्ता फ्रेडरिक मोहस द्वारा 1812 में इसको बनाया गया था। ये जो पैमाना है मोहा पैमाना, ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों?
ये पैमाना आप लोगों का फ्रेडरिक मोज द्वारा जो है आपका बनाया गया था 1812 में। ये पैमाना जो है 1812 में फ्रेडरिक मोज द्वारा आप लोगों का बनाया गया था, जो खनिजों की कठोरता को मेजर करता है, जो खनिजों की कठोरता को आपका मेजर करता है। अब दोस्तों मिट्टी दिवस की अगर हम बात करेंगे, विश्व मृदा दिवस की, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है ना। विश्व मृदा दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस आपका मनाया जाता है। आज सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, यूरेनस। यूरेनस सूर्य से कौन सा नंबर पे ग्रह आता है ये बताइए दोस्तों। अब आप लोगों ने दोस्तों यहां पर सारे ग्रह पढ़े होंगे, आउटर ग्रह पढ़े होंगे, इनर ग्रह पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज जो है आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों का जो है सही जवाब क्या होगा, यूरेनस जो है आप लोगों से सूर्य से जो है कौन से नंबर पे आपका आता है इसको बताइए। देखिए दोस्तों अगर हम ग्रह वाइज बात करें पॉइंट टू पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट की कि किस तरीके से जो है आप लोग को मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूं, समझाने के लिए मेरे पास जो है बहुत सारे तरीके हैं, मैं उन्हीं तरीके में से एक तरीके का प्रयोग करता हूं। देखो समझो यहां पर कहां गया, ये रहा। तो दोस्तों ये आप लोगों के ग्रह हैं, ठीक है ना। ये जो चार ग्रह दे रखे हैं आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आप लोगों के इनर ग्रह कहलाते हैं। ये जो चार ग्रह जो है आपके सूर्य के पास है, सबसे पहले आपका बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, पृथ्वी जो है दोस्तों आपकी तीसरे नंबर पे आती है, और मंगल चौथे नंबर पे आता है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं वैसे ही मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है और ये हमारा क्रम में जो है पांचवें नंबर पे आता है, लेकिन साइज में नंबर 1 पे आता है। फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो यूरेनस आप लोगों का जो है यहां पर 7वें नंबर का ग्रह है। ये चार आपके आउटर हो गए, ये चार आपके इनर हो गए। जो सूर्य के पास है वो आपके इनर हो गए चार ये वाले, और जो सूर्य से दूर है ये चार आप लोगों के आउटर वाले हो गए। आपके यहां से दो क्वेश्चन ये बनते हैं, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए। क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों ये बनेगा, एक तो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, सबसे बड़ा मून कौन सा है जो आपका बृहस्पति पर है। तो पहला सवाल आपका ये बताइए, सबसे बड़ा जो मून है हमारे सौरमंडल का उसका नाम बताइए। दूसरा सवाल आपका ये बनेगा, हरा ग्रह किसे कहते हैं। मैंने नीला और पीला तो बता दिया दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों हरा ग्रह किसे कहते हैं। तो यूरेनस सूर्य से कौन सा नंबर पे आता है, तो अगर हम यूरेनस की दोस्तों बात करेंगे, अरुण, यूरेनस मतलब आपका होता है अरुण होता है, और ये 7वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। ज्ञानीमीट डिमोस, भाई एक आंसर दीजिए, ज्ञानीमीट सबसे बड़ा ग्रह जो ज्ञानीमीट है आपका, जो जुपिटर की सतह पर आप लोगों का चक्कर लगा रहा है, इसका नाम आप लोगों का क्या है, ज्ञानीमीट है। तो ज्ञानीमीट इसका आप लोगों का नाम है, ठीक है ना। हरा ग्रह किसे कहते हैं ये आप बताइए, ठीक है ना। अगर मैं दोस्तों यूरेनस की बात करूं तो यहां का तापमान जो है माइनस का 224 डिग्री सेल्सियस से लेकर 371 फारेनहाइट तक आपका तापमान रहता है। ये बहुत ही ठंडा ग्रह है, ठीक है ना। ज्ञानीमीट जो है सबसे बड़ा है। अच्छा हरा ग्रह किसे कहते हैं, यू नो क्या आप लोग दोस्तों यहां पर जानते हो हरा ग्रह किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन प्लैनेट। फटाफट से आप लोग बताया कीजिए, एक एक पॉइंट बताया कीजिए, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों यहां पर, कि दोस्तों यहां पर ग्रीन प्लैनेट जो है दोस्तों यहां पर किस जो है किस प्लैनेट को कहते हैं यहां पर, तो ये आप लोग को बताना है, यूरेनस को। तो जो मैं आपको बता रहा हूं यूरेनस, यही आपका ग्रीन प्लैनेट भी है, ब्लू ग्रीन प्लैनेट, ठीक है ना। यही आप लोगों का दोस्तों हरा ग्रह भी है यूरेनस, यूरेनस को ही हम लोग जो है यहां पर हरा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए।
प्रख्यात व्यवसायी श्री दीपक पारेख मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? आपको बताना दोस्तों, श्री दीपक पारेख इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है, टेलीकॉम से, एविएशन मतलब एरोप्लेन से, बैंकिंग से या बीमा से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रख्यात व्यवसायी है तो ये एक बिजनेसमैन है, दीपक पारेख बिजनेसमैन है और इनका संबंध जो है बैंकिंग सेक्टर से है, ये आप लोगों के बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आवासीय वित्त कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है दोस्तों? यहां पर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के, तो दोस्तों एचडीएफसी के दोस्तों ये अध्यक्ष भी है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, दीपक पारेख जो है एचडीएफसी के अध्यक्ष है और इनका संबंध है बैंकिंग से, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो एचडीएफसी जो है आपका, क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पर, बैंकिंग जो है एचडीएफसी। तो जिनका भी आंसर बैंकिंग आ रहा बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपको बताना दोस्तों, ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? ओजोन गैस, ओजोन को एक तो सीएफसी हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, एक क्लोरीन हो गई, क्लोरीन का एक अणु जो है ओजोन का 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है, तो एक क्लोरीन हो गई आपकी, और एक आपकी हो गई दोस्तों यहां पर CCl3F, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये है आपका सी वाला, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पर, ट्राई, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन, तो CCl3F ये जो दे रखा है ये बहुत खतरनाक है, इसको हम लोग जो है CFC11 भी कहते हैं या फिर फेरॉन भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या है, फेरॉन 11 भी इसको कहते हैं, सीएफसी भी बोलते हैं इसको और हम लोग फेरॉन 11 भी बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है आपका? दुधवा टाइगर रिजर्व आपका किस राज्य में पड़ता है, फटाक से बताइए आप लोग। दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से पेपर से उठ के आ रहा है दोस्तों, एक नाम यहां पर आ रहा है दोस्तों M. परमाशिवम, तो दोस्तों नाम यहां पर आ रहा है दोस्तों M. परमाशिवम जो है दोस्तों किस सरकारी बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए दोस्तों? तो आपको बताना दोस्तों यहां पर ये किस सरकारी बैंक के जो है कार्यकारी निदेशक, तो नए कार्यकारी निदेशक, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, ऑफिसर नियुक्त किए गए, CEO। तो दोस्तों M. परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, फटाफट से बताइए। आपके ऑप्शन है दोस्तों BOB, आपके ऑप्शन है SBI, आपके ऑप्शन है PNB, आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया BOI, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बाकी लोगों को मैं बताता हूं कि दुधवा कहां पर है दोस्तों, दुधवा ये अपने बगल में ही है दोस्तों, यहां पर पीछे साइड में, तो दुधवा जो है आपका यूपी में ही है। जिनका भी आंसर उत्तर प्रदेश आ रहा है बिल्कुल राइट है, ये लखीमपुर खीरी के पास में पड़ता है, दुधवा जो है दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी के पास पड़ता है, अपने पड़ोस में ही है, ठीक है ना। तो ये टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में आपका लखीमपुर खीरी के पास में ही आपका क्षेत्र है, बहराइच में पड़ता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, देखो M. परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए CEO या फिर नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये बैंक है आपकी पंजाब नेशनल बैंक, नोट कर लीजिएगा दोस्तों M. परमाशिवम, तो परमाशिवम P for Parma, P for PNB, तो दोस्तों परमाशिवम पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों, परमाशिवम, तो M. परमाशिवम पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं।
अगला क्वेश्चन, एक मंदी के दौरान आपका क्या होता है दोस्तों? जब मंदी आ जाती है दोस्तों तो क्या होता है मंदी? देखिए दोस्तों, अगर हम अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें मंदी के दोस्तों, तो मंदी के दौरान क्या होता है, वहां क्षमता से कम उपयोग होने लगता है। जो भी प्रोडक्शन होता है दोस्तों वो आपका क्षमता से कम उपयोग में किया जाता है, इसी चीज को हम लोग यहां पर मंदी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसको छोड़ते हैं। तेरखाली कहां का लोक नृत्य है? तेरखाली, इसको बताइए। तो दोस्तों तेरताली जो है, तेरताली होगा, तेरखाली नहीं है दोस्तों, तेरताली। मैंने आपको तेरताली पढ़ाया आपको। कल मंडे है, कल मैं जो है अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद जब आऊंगा तो कल शाम के टाइम में दोस्तों 6 या 7 बजे के करीब दोस्तों, कल 6 या 7 बजे मैं आपके लिए महा मैराथन की क्लास कराऊंगा। करीब कोशिश करूंगा दोस्तों 300+ क्वेश्चन स्टैटिक जीके वाले मैं आपको खुद कंप्लीट कराऊंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं आत्मनिर्भर हूं, ठीक है ना। अपने आप पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा पेपर में आने वाले हैं उन्हीं चीजों को पढ़ाऊंगा। तो तेरताली दोस्तों कहां का है? तेरताली आपका मध्य प्रदेश का है। तेरताली कहां का है दोस्तों? तो तेरताली मध्य प्रदेश में कांवर जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें आमतौर पर 2 या 3 महिलाएं डांस करते हैं, जमीन पर बैठकर इसे करा जाता है, ठीक है ना। तो जमीन पर बैठकर जो ढोला वजीरा लेकर बजाते हैं इसको। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज माना के किसका? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या क्वेरी लैंग्वेज, या फिर आपका हो जाएगा OQL। तो ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज आपकी कौन सी है बताइए? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं OQL, ठीक है ना। तो ये है ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज। नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज। एक होता है SQL, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। करंट अफेयर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं तुम लोगों को, देखो करंट अफेयर मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, करंट अफेयर मैं खुद पढ़ा दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताना है प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दिव्यांग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, विकलांग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं। तो वर्ल्ड विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है? डिसएबिलिटी डे। अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहां पर वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे आपका कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है बताइए। बाकी कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है? कैल्शियम फ्लोराइड पर, देखो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड होता है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड का सूत्र होता है CaF2। इस पर आपके 2 होते हैं पॉजिटिव आयन, 2 आप लोगों के जो है पॉजिटिव आयन के साथ कैल्शियम होता है, 1 आयन और 1 आपका इसमें जो है ऋण आयन होता है, 1 आपका ऋण आयन होता है। फ्लोरीन जो है आपका 2 आयनों का इसमें बना है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और कैल्शियम इसमें आप लोगों का 1 आयन का बना हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल आवेश मेरा 0 हो गया। टोटल आवेश क्या हो गया? शुद्ध आवेश 0 होता है इसका, शुद्ध आवेश आप लोगों का 0 होता है। सर 2 क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा है। शैलेंद्र यादव मैं क्या करूं बताओ तुम, मैं क्या करूं, मुझे जो है सिलेबस खत्म कराना है और मैं करंट अफेयर पढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो मैं जीके करंट अफेयर कंप्लीट करा रहा हूं, ऐसे पूछ पूछ के तुम्हारी करंट अफेयर खत्म करा दूंगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड पर टोटल आवेश आपका 0 होता है, और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ये आपका मनाया जाता है दोस्तों 3 दिसंबर को। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आपका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताना है। तो परमाणु क्रमांक देखो 1 नंबर पे आता है आप लोगों का, ठीक है ना, परमाणु भार 1, क्रमांक 1। तो परमाणु संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आप लोगों की 1 होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों की। चलिए अब आते हैं मैथ पर। चलिए भाई मैथ आगे दोस्तों, अब करंट अफेयर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं मैथ। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है
तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 5 में कितनी करेगा? तो चाल निकालो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दोस्तों? देखो दूरी 5 × 50 = 51, 51/5 दूरी है। टोटल टाइम आपको दे रखा है 3 घंटे में, ये आपको चाल दे रखी है। अब इस दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो कितनी दूरी जो है यहां पर 5 घंटे में तय करेगा? तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल दे रखी है दोस्तों यहां पर 51/5 × 3, समय दे रखा है दोस्तों 5, तो 5 से 5 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो आपकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों यहां पर 17 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो वो व्यक्ति 5 घंटे में जो है आपकी 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो अगर आपका आंसर 17 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 मीटर लंबी, 31 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पासर्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.5 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई, तो खाई की गहराई कितनी होगी ये आपको बताना है। दैट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन इस सवाल को जो है यहां पर लगा सकता है। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हो दोस्तों, एक खाई खोद रहे हैं, इस खाई की लंबाई जो है 27 मीटर है, चौड़ाई जो है दोस्तों आपकी साल जो है 18.2 है, और गहराई पूछ रहा है दोस्तों। तो गहराई को दोस्तों मैंने जो है यहां पर एक्स मान लिया, और ये रखा है 48 मीटर लंबी, 31.5 मीटर चौड़ी और 6.5 डेका मीटर दे रखा है आप लोगों का, तो ये पॉइंट का 65 हो जाएगा। तो 48 मीटर इंटू दोस्तों आपका 31.5 मीटर, और ये जो आपका डेका मीटर है, डेका मीटर मीटर में चेंज करोगे तो यहां पर दोस्तों आप जो है इसको जो है यहां पर 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड करने पर आपका दोस्तों ये भी पॉइंट लग जाएगा, तो आप लोगों का ये पॉइंट हटेगा, तो ये आपका 10 लगेगा आपका, और बाकी दोस्तों 10 इसका है ही दोस्तों 0, तो ये हो जाएगा 0.65। तो यहां से x का मान निकालो दोस्तों, देखो एक पॉइंट है तो नीचे 10 बढ़ेगा, एक पॉइंट, दो पॉइंट तो नीचे 1, 2, 3 0 बढ़ेंगे, 1 10 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। और क्या काट सकते हैं यहां पर? तो दोस्तों 8 × 4 = 12, देखो 3 × 27, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 16 × 16 = 17, 18, 16 × 16 = 17, 18, 32 नहीं आ रहा है। और क्या काटें दोस्तों इससे? हम लोग यहाँ पॉइंट हट चुका है हमारा, 3105 है, 65 है, 13 × 13 = 13, 13 × 8 = 3, 5, 13 से काट दो दोस्तों। देखो दोस्तों 13 × 5 = 65, 13 × 13 = 13, 8 × 3 = 5, 13 × 6 = 52, 14 बचा आपका। फिर दोस्तों यहां पर दोस्तों कितना बचा? 14 बचा आपका, 7 से कटेगा, 7 × 21 = 7, 4 = 28, 29 = 30, 31 = 31, तो 7 × 2 = 14, 7 × 21 = 7, 4 = 28, 29 = 30, 31 = 31, 7 × 5 = 35, ये 45 आ गया। 9 से दोस्तों काटा यहां पर, 9 × 5 आपका 45 आ गया, 2 से आपका काटा दोस्तों, 2 × 8 आपका 16 हो गया, सब कट गया आपका। तो कितना बचा दोस्तों यहां पर? 5, 5, 5 × 25, तो यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे हो दोस्तों 5 × 25, 25 × 6 = 100, और यहां पर 81/4, तो फाइनल जो आप लोगों की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है? तो मेरे प्यारे मित्रों, कट पिटने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है दोस्तों, ये हमारी आई है दोस्तों एक्स बराबर आपकी 2 मीटर आ गई। तो जिनका भी आंसर जो है 2 मीटर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जिन दोस्तों का आंसर 2 मीटर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है, किसी निश्चित मात्रा में उसमें और पानी डालने पर मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है, नए मिश्रण में जल की मात्रा बताइए। देखो दोस्तों, अगर 20 किलोग्राम मिश्रण था
तो इसमें आपका 10% जल था। अब आप लोगों का मिश्रण जो है दोस्तों आपका 25 किलोग्राम है दोस्तों, तो इसमें जल की मात्रा कितनी है ये निकालना है। पहले जल आप लोगों का 10 था, अब जल कितना परसेंट है, एक्स है, एक्स का मान निकालना है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो है आप लोगों को यहां पर सॉल्व करना और बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए बताइए फटाक से। वेरी गुड। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो राइट आंसर हो जाएगा 28%। पहले आप लोगों का मिक्सअप 20 किलो था और अब मिक्सअप आप लोगों का 25 किलो है। तो पहले आपका 10% पानी था, बाकी 90% आप लोगों का क्या था दोस्तों, स्प्रिट था। 90% स्प्रिट था और आप लोगों का 10% पानी था। अब हमने इसमें दोस्तों पानी मिला दिया दोस्तों, यहां पर 5 किलो पानी एड किया मान लीजिए दोस्तों। अब 20 किलो के हिसाब से दोस्तों आप समझ पा रहे हो यहां पर कि 2 आप लोगों का पानी है और 18 आप लोगों का स्प्रिट है। इसमें टोटल मैंने 25 बनाने के लिए 5 पानी जो है और डाल दिया है, लेकिन ये तो वैल्यू 18 ही रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये वैल्यू तो आपकी 18 है, ये आपका 2 है। तो पानी मैंने मिला दिया दोस्तों यहां पर 5 किलोग्राम मिला दिया दोस्तों यहां पर, तो टोटल पानी इसमें जो है 5 किलोग्राम मिला दीजिए, तो 5 × 2 = 7 हो जाएगा। इधर तो आपका 18 का 18 रहेगा, तो दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 25 में से इंटू 100, 25 × 100 = 28%। तो नए मिश्रण में जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, नए मिश्रण में जल की मात्रा हो जाएगी दोस्तों आपकी 28% हो जाएगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 28% बिल्कुल राइट है। देखो पहले आपका ये है स्प्रिट और ये है वाटर, फिर दोस्तों स्प्रिट मेरी 18 रही, पानी जो इन लोगों ने 5 मिला दिया, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते दोस्तों, अब यहां पर टोटल पानी कितना हो गया दोस्तों, टोटल पानी की मात्रा 5 और 2 मिलकर आपकी 7 हो गई दोस्तों। तो पानी की मात्रा 7 हो गई है, 18 + 7 यहां पर आपका 25, तो ये परसेंटेज में आपका है 28%। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 26,580 रुपए कीमत की एक वस्तु को 10% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, त्योहार के कारण दुकानदार 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 10% पर हम वस्तु बेच रहे हैं, इतनी कीमत की वस्तु है 10% पर बेच रहे हैं डिस्काउंट पर, और 5% का डिस्काउंट और दे रहे हैं। तो 26,580 की चीज है, 90% वैल्यू और फिर 95% वैल्यू, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यह निकालना है। देखो दोस्तों 5205, अब 00 से आपका यह कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 8 × 72 और 2 × 5 = 10 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी फाइनली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बताइए आप लोग। देखो 10 और 5 के हिसाब से आप निकाल सकते हो यहां पर, तो 90 और 95 सॉल्व करने पर निकालोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 22,725 रुपए 90 पैसे, तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 22,725 रुपए 90 पैसे, तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों ए, तो बिल्कुल राइट है। हाँ पूछो डाउट क्या है, जो भी आप लोगों का डाउट है पूछ सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए, अगर एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ती है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, सक्सेसिव लगा दो दोस्तों। अगर भुजा 10% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो मैंने क्या किया दोस्तों, सक्सेसिव लगा दिया। तो सक्सेसिव लगाया दोस्तों तो क्षेत्रफल हमारा जो है दोस्तों 21% बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा आपका
21% बढ़ जाएगा। सर 43 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देख लो समझ लो अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन है ना, देखो समझो माय डियर, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था यहां पर कि 20 किलोग्राम का मिश्रण है जिसमें 10% आपका पानी है, तो 20 का 10% 2 केजी, तो 2 केजी आपका क्या हो गया दोस्तों, पानी हो गया। 2 केजी अगर पानी हो गया 20 में तो स्पीड कितना हो गया डियर, स्प्रिट आपका जो है 18 केजी आपका हो गया। फिर कह रहे निश्चित मात्रा में उसमें हमने जल डाला, तो जल डालने पर हमारा मिश्रण का वजन 25 हो गया, तो 25 कैसे हो रहा है दोस्तों, पहले आपका 20 था अब 25 हो रहा है, यानी कि 5 किलो इसमें जो है पानी मिला दिया इसमें, ये आपका 18 केजी है और पानी मिलाकर 5 2 7, अब पानी कितना हो गया दोस्तों 7 केजी हो गया। तो नए मिश्रण में जल की मात्रा पूछ रहा है, तो नए मिश्रण में जल कितना है दोस्तों आपका 7 है, टोटल 18 और 7 जोड़ दो यहां पर, तो 7 और 8 कितना हो जाए 8 8 16 8 7 15 25, तो टोटल 25 में 7 हमारा पानी है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 चौक 100, 7 चौक 28%, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा जो है 28% है। समझ में आया? अब देखो आपका अगला क्वेश्चन, इसको देखो दोस्तों 169 है, 169 की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, अब 13 और 68 8 3 11 6 2 8 81, 81 की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है ना, 81 की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब 216 में दोस्तों आप लोग 9 जोड़ दीजिए, तो 16 9 25 225 आ जाएगी, 225 का दोस्तों 15 होता है, अब 129 में दोस्तों 15 जोड़ दीजिए, तो 9 5 14, 2 2 4 1 का 1 144, तो 144 का रूट होता है आपका 12, तो जिनका भी आंसर यहां पर 12 हो रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब आपका यहां पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर 12 आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, ए और बी एक काम को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ए अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और ए और बी सी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लिया 24, 8 3 24, 12 2 24, 4 6 24, तो ए और बी कितना हो गया दोस्तों, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, 3 2 5, सी की वैल्यू 1, तो सी का हिस्सा कितने रुपए का ये निकालना है, सी की वैल्यू 1 है, टोटल 6 में 720 रुपए में सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 दुनी 12, 0 का 0, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 120 रुपए, तो 720 रुपए में आप लोग यहां पर देख सकते हो दोस्तों कितना रुपया आ रहा है दोस्तों, तो ये आप लोगों का 120 रुपया आ रहा है। सी का हिस्सा कितना है दोस्तों, सी का हिस्सा आ रहा है आप लोगों का 120 रुपया आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो दोस्तों एक लंब प्रिज्म है, लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 7 मीटर, जिसकी भुजा आपको दे रखी है 7 मीटर, और प्रिज्म की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 24 मीटर दे रखी है। अब जो कुछ भी प्रिज्म होगा दोस्तों यहां पर, अगर हम प्रिज्म की दोस्तों यहां पर बात करेंगे यहां पर, तो इस प्रिज्म की जो ऊंचाई है दोस्तों आप लोगों की जो आप यहां पर देख पा रहे हो वो कितनी है, 24 मीटर है, तो इस प्रिज्म का आयतन बताना है आप लोगों को, तो इस प्रिज्म का आयतन आप कैसे निकालोगे देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, प्रिज्म का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट। अब जैसा कि आपको पता है आधार है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट थ्री वाई फोर ए स्क्वायर, भुजा है सात, तो यहां लिखेंगे दोस्तों सात इंटू सात। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई दे रखी है चौबीस इंटू लिख देंगे चौबीस, ठीक है बॉस। तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का फॉर्मूला। अब काटा पिटी करनी है दोस्तों, चार से काटा, चार छक चौबीस, चार छक चौबीस सात सत्ते उनचास, उनचास छक्का छेनिम चौवन, ठीक है ना, और छेनिम चौवन, छे छक चौबीस, चौबीस और पांच, पांच चार नौ उनतीस, दो सौ चौरानवे। तो यहां पर आपका दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई, दो सौ चौरानवे आ गई। अब रूट थ्री है, इसकी वैल्यू लिखो 1.732, तो 294 की मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 509.208। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 509 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 509 के करीब आंसर मेरा इसमें आ रहा है। तो प्रिज्म का आयतन कितना हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा दोस्तों 509 घन मीटर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपका आंसर आ रहा है 509 घन मीटर, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6000 है, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 14000 है, शेष व्यक्तियों का वेतन 5600 है, इस फैक्ट्री में टोटल कामगारों की संख्या कितनी है। एलिगेशन लगा दिया कि फैक्ट्री के कामगारों का औसत 6000 है, जो 12 अधिकारी हैं, 12 अधिकारी का 14000 है और शेष अधिकारी का 5600 है और पूरी कंपनी का एवरेज 6000 है। तो दोस्तों 14000 में 6000 गया, तो दोस्तों 14 में अगर आपका 6000 गया तो 4 4 8000 बचा, आपका 8000 बचा, और 6000 में अगर आपका 5600 गया तो आपका दोस्तों कितना बचा, यहां पर 6000 में 5600 गया तो आपका केवल 400 बचा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 4 दुनिया 20, तो 1:20 आ गया। अब अधिकारी कितने दोस्तों, 12 हैं, तो 12 हमारे अधिकारी हैं दोस्तों, तो 1 बराबर 12 आ रहा है, तो 1 की मल्टीप्लाई 12 से कराए तो दोस्तों 20 है ना, तो हमारे कर्मचारी कितने हैं फैक्ट्री में, टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालनी है, तो आपको टोटल कर्मचारी की संख्या कैसे निकालोगे, 20 और 1 21 21 इंटू 12, तो 12 एकम 12, हासिल लगा 1 12 दुनी 24 और 1 25, तो टोटल फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या है 252। क्यों भाई, 20 ये है, 1 ये है, तो 20 और 1 21, 21 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 12 हो जाएगा 252। तो अगर आपका आंसर 252 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, राशि कितनी है। देखो 3% बढ़ने पर 1440 अधिक मिल रहा है, तो 4 3 12%, 12% का परिवर्तन आने पर 1440 रुपया मिल रहा है, 12% का परिवर्तन आने पर राशि कितनी, 12 एकम 12 12 12 जा 144, 1 बराबर 120, तो 100 बराबर हो जाएगा 12000, 100 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 12000 हो जाएगा दोस्तों। तो राशि कितनी आ जाएगी आपकी, तो राशि आ जाएगी दोस्तों हमारी यहां पर 12000 आ जाएगी। देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो विनोद कितनी जल्दी सवाल लग रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12000। अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। बड़ा ही खतरनाक तरीके से सवाल को घुमा के उन्होंने पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस सवाल को यहां पर लगा सकते हो। देखो दोस्तों पूरी दुनिया में दोस्तों भूमि आपका, भूमि का हिस्सा 1 है और जल का हिस्सा आप लोगों का 2 है, ये आपको दे रखा है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों वैल्यू कितनी है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि आप लोगों की 2 है और जल का हिस्सा आपका 3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका कितना होगा,
ये दोस्तों आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो पहले तो अपना सिंपल वे में लगा कर देखेंगे, सिंपल तरीका अगर लगेगा तो ठीक, वरना एलिगेशन लगाएंगे। तो 3 2 5 और 2 और 1 3, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करी, तो 3 2 6 3 3 9, 3 2 6 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, तो 6 5 11 10 9 19, सही लिखा है यहां पर, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। 3 5 15 5 3 15, 3 2 6 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया 6 5 11, और ये आ गया दोस्तों 9 और 10 19 आ गया। हाँ, तो 11 और 19, तो भूमि और जल का अनुपात मुझे निकालना है। तो यहां पर दोस्तों 11 तो आ रहा है लेकिन 4 नहीं आ रहा है। चलो भैया ये वाला लॉजिक नहीं है, अब हमें एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा। तो एलिगेशन लगाने का तरीका आपका क्या है? तो दोस्तों आप देख सकते हो गोलार्ध में दे रखा है 2/3 है, तो 2/3 में से 2 आप लोगों की जमीन है, इधर आप लोगों को 1/2 यहां पर दे रखा है, तो 3 में से दोस्तों आप लोगों की 1 जमीन है। अब बाई ऑप्शन दोस्तों ऐसी वैल्यू रखो कि हमारा रेशियो जो है बराबर आ जाए। तो मैंने 4:11 उठाए दोस्तों, 4 मेरी जमीन है टोटल, 11 4 11 4 15 में से, तो 2/5 में से 1/3 घटाया दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा 5 1 5 5 1 5, 3 2 6, नीचे 5 3 15, तो 6 में 5 जाएगा, 1/15 बचेगा। इधर उठाए दोस्तों यहां पर 15 1 15 4 3 12, ठीक है ना, 15 1 15 4 3 12, तो 15 12 डिफरेंस 3 आ जाएगा, समझ में आ रही बात? या फिर दोस्तों यहां पर देख सकते हो 1/3 माइनस का 4/15 है, तो 3 5 15 5 में 4 जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। तो आप यहां पर देख सकते हो आपका रेशियो जो है 1:1 आ रहा है, तो 1:1 का मतलब है दोस्तों कि भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, इसका मतलब आपका यही है 1:2। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 4:11 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बॉस? क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? कर लोगे आप? यहां तक तो कोई समस्या संकट परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना हो रहा है? देखो दोस्तों 8 रुपए में 10 नग खरीदे हैं, 8 रुपए में 10 नग खरीदे हैं, और 10 रुपए में दोस्तों यहां पर 8 नगों को बेच रहा है, तो दोस्तों 10 चौक 40 8 5 40 बराबर करना है दोस्तों। तो दोस्तों 8 चौक हो जाएगा 32 रुपए और 8 5 40, तो 10 5 हो जाएगा दोस्तों यहां पर 50 रुपए। तो 32 रुपए के नग 50 रुपए में बेच रहा है, तो कितना फायदा हो रहा है आप यहां पर देखिए दोस्तों। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 32 रुपए के नग 50 में बेच रहा है, तो 18 रुपए का फायदा हो रहा है 32 रुपए के नग पर इंटू 100, तो यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों 2 निम 18, 2 1 2 2 6 12, 16/9, तो 900/16 हो जाएगा, 16 6 96, 16 5 आपका 80 आ जाएगा, 10 बचेगा 00, 16 6 आपका 96 4, पॉइंट लगाए 0, 16 2 32, समझ में आ रही है बात? 32 8, 16 5 80, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 56.25%। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 56.25% होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ये वाला क्वेश्चन आप एलिगेशन से यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने रेशियो मेथड लगाया, रेशियो से मेरा यहां पर लगा नहीं। आप इसको ऑप्शन से लेकर लगा सकते हो। कैसे? जैसे उत्तरी गोलार्ध की वैल्यू आपको 2/3 दे रखी है और दक्षिणी गोलार्ध की वैल्यू आपको 4/11 दे रखी है,
वैल्यू को बराबर करोगे 3, 2, 5 और इधर दोस्तों 11, 4, 15 इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे पहली बात, फिर इन दोनों को जो है 1/2 के अनुपात में मिलाइए, तो इसको 1 के अनुपात में मिला दो, इसको 2 के अनुपात में मिला दो, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 2 से करोगे दोस्तों 4 × 2 = 8 और दोस्तों यहां पर 11 × 22 के रेशियो में आपका आ जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 5, 6, 8, 5, 13, 8, 6, 14 इधर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 9, 2, 11, 9, 2, 11, 1 और ये आपका कितना हो जाएगा हासिल लगा 1, 9, 2, 11, 31 हो जाएगा, तो यहां से दोस्तों आप इस रेशियो में इसको जो है तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका मैंने लगाया, ये तरीका मेरा लगा नहीं, इसलिए मैंने यहां पर 4/15 रखा और जो मेरा रेशियो आया है 1:1, 1:1 मतलब क्या है दोस्तों, इसमें ये भूमि का हिस्सा है टोटल 2 में से, तो 2 में से जमीन कितनी है दोस्तों 1 है, तो ये सवाल मैंने जो है यहां पर बाई ऑप्शन लगाया। बाकी इसका तरीका है वो बहुत लंबा है, तो मैं ज्यादा लंबा तरीका जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, समझ में आ रही बात, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस विक्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सी बात आपको दे रखी है, 50 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है, 0, 0 कैंसिल, तो सीपी बटे एसपी हो जाएगा 4/5, सीपी बटे एसपी हो जाएगा दोस्तों आपका 4/5, तो यानी कि दोस्तों 1 रुपए का लाभ हो रहा है 4 रुपए की चीज पर, तो फायदा कितना हो जाएगा, फायदा हो जाएगा आपका 25% का, फायदा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, फायदा हो जाएगा आपका 25% का, तो जिनका भी आंसर 25% आ रहा है बिल्कुल राइट है। यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ये तो आप लोगों को याद होगा 100 रुपए होगा, कैसे देखो 50 रुपए 50 रुपए और 50 का 4% होता है 2 रुपया, तो आप देख सकते हो ये मेरा SI है, SI 100 रुपया, 2 रुपया ब्याज मिलेगा, तो ये 102 रुपए CI है, तो अगर आपका आंसर 100 रुपए आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100 रुपए हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, यहां पर बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और अपनी क्लास को मिलकर जो है मेरे दोस्त, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट अवश्य करें, अपनी क्लास को मिलकर सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहें, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने है, इसको लगाइए, देखते दोस्तों यहां पर कि आप लोगों में से इस क्वेश्चन का जो है जवाब यहां पर कौन दे पाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आप लोगों का डी होगा, चलिए लगाइए देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों में से करेक्ट आंसर कौन देगा, देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देख सकते हो ए किसी काम को आपका 10 दिन में करता है, बी किसी काम को जो है 20 दिन में करता है, दोनों जो है साथ साथ काम को शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, एलसीएम लिया 20, 10 × 20 = 20, 20 × 1 = 20, 1 दिन में 3 काम हो रहा है, 5 दिन में आपका 15 काम हो जाएगा, तो 5 दिन में 15 काम किया, 5 काम बचा, अब ए ने काम छोड़ दिया, ए चला गया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 5 काम बी 1 की स्पीड से करेगा, तो शेष काम को पूरा करने में बी को जो है
पांच दिन का समय लगेगा। तो अगर आपका आंसर पांच आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पांच दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, 4 सेब सड़े निकले, शेष सेब को 50 रुपए प्रति दर्जन पर सड़े सेब भेज दिए गए, तो टोटल लाभ कितने रुपए का हुआ इसको बताइए। देखते हैं कि आप लोगों में से यहां पर कौन बताएगा सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर दोस्तों आप लोगों का डी हो जाएगा। फटाफट बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग जो है यहां पर देख सकते हो क्या तरीका है। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, 4 सेब आपके सड़ गए, तो अब बचे दोस्तों यहां पर टोटल 96 सेब बचे। शेष को जो है 50 रुपए प्रति दर्जन पर सड़े सेब को बेच दिया गया। जो शेष सेब आप लोगों के बचे यहां पर, इनको 50 रुपए प्रति दर्जन पर सड़े सेब बेच दिए गए, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है? तो दोस्तों 12 से यहां पर डिवाइड करो, 12 अट्ठे 96, तो टोटल आप लोगों के यहां पर 8 दर्जन सेब हो गए। एक दर्जन 50 के बेच रहे हैं दोस्तों यहां पर, तो टोटल आप कितने के यहां पर बेच रहे हैं दोस्तों? तो आपका कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, तो दोस्तों 5 8 पंच 40, 400 रुपए के बेच रहे हैं भैया। 300 रुपए के खरीद के लाए थे, 400 के बेच रहे हैं, फायदा कितना हो रहा है? 300 के खरीद के लाए थे, 400 के बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है आपका 100 रुपए का। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 100 रुपए, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो छठे परिणाम की मान निकालना है। सिंपल सी बात है, 11 का एवरेज 60 दे रखा है, स्टार्टिंग की 6 का 59 है, तो 6 का 59 है, एक कम है दोस्तों। कितना कम है दोस्तों? एक कम है 6 पर, तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा। 6 का 62 दे रखा है, 6 का 62 दे रखा है, 2 ज्यादा है 60 से, तो ये दोस्तों प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 में 6 गया, 6 हो जाएगा, तो 60 में 6 जोड़ दोगे 66 आ जाएगा। तो छठे परिणाम में कितने अंक है दोस्तों? तो छठे परिणाम की वैल्यू आ जाएगी 66। छठे परिणाम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? छठे परिणाम की वैल्यू आपकी 66 हो जाएगी। ये ट्रिक मैंने पता नहीं दोस्तों कितनी बार आपके साथ डिस्कस की होगी। जो भी मेरी क्लास में रेगुलर रहते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता होगी कि मैं कैसे जो है इस ट्रिक को अप्लाई करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12-16 का समान अनुपातिक और 18 का चौथा अनुपातिक क्या होगा इसको बताइए। दोस्तों 12, 16 और 18 का यहां पर समान अनुपात निकालना है, तो 12 बटे 16 इंटू 18 बटे एक्स, तो चौथा अनुपात क्या होगा ये निकालना है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 छक 18, 6 चौक 24, तो एक्स का मान आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। आज हिंदी नहीं करवाऊंगा मैं, केवल मैथी मैथ करा दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करने पर, प्रत्येक 5, 9 और 11 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। तो एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहां पर दे रखा है कि किसी संख्या को 2, 5, 9 और 11 से डिवाइड करने पर दोस्तों आप लोगों का प्रत्येक 5, 9 और 11 तो हो चुका है दोस्तों यहां पर,
डिवाइड करने से दोस्तों, यहां पर विभाजित करने पर, ठीक है ना, प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक बचे, तो आपकी दोस्तों यहां पर तीन अंकों की वह संख्या क्या होगी दोस्तों, तीन अंकों की संख्या आप लोगों की कौन सी होगी यह आपको बताना है। आप जैसे कि मान लिया 991 आपने उठाया, ठीक है ना, आपने दोस्तों इसको 11 से काटा, यहां पर 11 दोस्तों निमा 99, 11 निमा 99, अब एक बच गया आपका शेष, तो एक यहां पर शेष आ गया, 90 लिखोगे तो एक आप लोगों का शेष यहां पर बच गया, आप कहोगे 11 से कट गया, ठीक है ना, 9 से काट के देखो, 991 आपका दे रखा, आप करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 का 0, एक बच जाएगा, ठीक है भाई, एक शेष आपका बच गया है। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्थिति में आपका एक शेष बचना चाहिए यहां पर। फिर दोस्तों मैंने इसको 991 को दोस्तों यहां पर 5 से काटा, अब नहीं बचेगा दोस्तों, 5 एकम 5 4 9, 5 निम 45, 45 4 यहां पर 49, 4 बचा दोस्तों, तो 5 8 40, एक बच गया। 2 से काटोगे 2 चौक 8, ठीक है ना, 2 चौक 8, यहां पर एक बचा, 2 निम 18 1 19, 2 पंजे 10, एक बच गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 991 मेरा जो नंबर आ रहा है दोस्तों, प्रत्येक स्थिति में मुझे जो है यहां पर एक शेषफल दे रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में मुझे जो है एक शेषफल दे रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इन सभी नंबर से कट रहा है और हमें बदले में एक शेष दे रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 991 हो जाएगा। एक फ्रिज की लागत मूल्य 28,000 है, 20% का डिस्काउंट देता है तो 10% की हानि उठाता है, अंकित मूल्य क्या होगा, एमपी निकालना है जिस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% की हानि हो रही है 28,000 रुपए पर, 28,000 पर 10% की आपकी हानि हो रही है, तो 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने यहां पर, 8 से काटा, 8 3 24 4 28, 8 5 40, 00, और 35 नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 00, 9 5 45 4, 9 3 27, 28 29 30 31, 31,500 रुपए, ठीक है दोस्त। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका जो है 31,500 रुपए हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 31,500 रुपए आ रहा, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, बाकी हिंदी है आप लोग आराम से कर लोगे। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा ले जाओ और सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में दोस्तों किस टीम ने यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, तो इसका विनर जो है यहां पर कौन सी क्रिकेट टीम है दोस्तों, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, झारखंड या सौराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र, तो आपको बताना यहां पर है कि अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विनर कौन है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल फिर से आप लोगों से 12 बजे आपकी क्लास में, टाइम टेबल आप लोग यहां पर देख सकते हो, कहीं पर भी कोई भी समस्या लगे, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी संख्या लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, कल ये वाली क्लास आप लोगों की जो आप देख पा रहे हो ना ये वाली क्लास, तो कल ये वाली क्लास 12 बजे होगी, फिर 4 बजे वाली क्लास, फिर दोस्तों 6 बजे 7 बजे 8 बजे और 9 बजे, ये सारी क्लास मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से, और हाँ, चक्षु की दोस्तों बेस्ट बुक आप लोगों के लिए कौन सी रहेगी, तो आप देख सकते हो ये चक्षु की आप लोगों की सबसे बढ़िया किताब है आपकी जीडी के लिए। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये किताब बिल्कुल अप टू डेट किताब है और ये आपके नए सिलेबस और नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ये किताब और किताबों से काफी बेहतर है और आपको बता दें यहां पर आपको 2800 से भी ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी किताब, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, टोटली ऑल ओवर सब कुछ आपको दिया गया है।
जो आपके पैटर्न में बदलाव किया गया है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश चॉइस पर रहती है 20 क्वेश्चन और टाइमिंग जो है 60 मिनट की रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी किताब आपकी अप टू डेट है। जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो ये अब तक की सबसे अपडेटेड बुक है और अगर आप इस किताब को लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी उज्जवल साबित होगी। इसमें 2021 के 2019 के पेपर दिए गए हैं, करंट अफेयर पूरी आपको मिल जाएगी 2021 से लेकर 2023 तक की, सब कुछ टॉपिक वाइज दिया गया है, एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से सिक्वेंस में सारे पेपर आपको दिए गए हैं, एक एक चैप्टर को भली भांति दर्शाया गया है और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो बिल्कुल यहां पर उत्तर जो है व्याख्या सहित यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। तो इस किताब को जरूर लीजिएगा, इस किताब को परचेस करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसके अलावा दोस्तों इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, यदि आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो स्टडी गाइड के साथ प्लस प्रैक्टिस सेट जरूर लें। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 3300 और क्वेश्चन मिलेंगे, 9 प्रीवियस पेपर के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट, तो करीब यहां पर यह किताब आप लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट किताब रहेगी, तो इस किताब को जरूर खरीदेगा और आज इस किताब को ऑनलाइन परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और तुरंत इस किताब को घर बैठे मंगाएं। धन्यवाद। तो साथियों बस आज हम लोगों का सफर यहीं तक था, अब मिलेंगे कल 12 बजे, कल नहीं, कल देखो मंडे है, कल का मैं शेड्यूल आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। कल मुझे थोड़ा सा काम रहेगा तो मुझे हॉस्पिटल जाना है और वहां पर डॉक्टर से जो है बात करनी है कि क्या दिक्कत है, जो मेरा टेस्ट हुआ था दोस्तों ईजी वाला, ठीक है ना आप लोगों का, और ईजी के अलावा दोस्तों सिटी स्कैन भी हुआ था, तो देखते हैं क्या दिक्कत निकलती है। बाकी वहां से वापस आने के बाद मैं क्लास कराऊंगा और कल मैं कराऊंगा आपको मैराथन, ठीक है ना। कल मैं करीब 300 क्वेश्चन के 300 प्लस, कल मैं स्टैटिक जीके के 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो इंतजार कीजिएगा शाम को 6 बजे के बाद से। इवनिंग में होगा, दिन में नहीं होगा क्योंकि दिन में मैं नहीं होगा, शाम में 6 बजे के बाद से करेंगे। जो भी टाइम होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कल मुलाकात 6 बजे के बाद होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।